सीसीटीवी को ध्यान से देखिए कि किस तरह दो नकाब पोश बदमाश बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मामला सोनीपत का है, जहां चोर और बदमाशों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। सोनीपत पुलिस आज पर हाथ रखकर बदमाशों और चोरों का तमाशा देख रही है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोनीपत में चोरी और लूट की वारदातों में इजाफा हो रहा है और पुलिस चोरों और बदमाशों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। देर रात सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड पर स्थित एक चॉकलेट के होलसेलर की दुकान पर दो नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और बड़ी आसानी से फरार हो गए। बदमाशों की ये करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, देखिए इस रिपोर्ट में। इस पूरे मामले पर व्यापारी का क्या कहना है सुनिए। रात को 8:15 बजे हम बस ये गेट शटर बंद करके हम बस अपना सामान लेके निकलने की ओर थे, तो इसने में ही दो बंदूकधारी आ गए और जबरन हाथापाई हुई और बैग छीन के हमारा ले गए। क्या क्या लेके गए? बैग में हमारा लैपटॉप था और 50,000 के करीब कैश था और एक मोबाइल था। कुछ बोले या सीधे जाते आपसे? कुछ बोला नहीं, सीधा बंदूक दिखाई और हाथापाई हुई। और किसी को पहचान में आया कोई? वो तो पुलिस वाले कह रहे हैं हम जाने करेंगे। कुछ बांधे हुए थे या सीधे? नहीं, पूरा हेलमेट पहना हुआ था, मास्क वास्क सब पहना हुआ था। कोई चोट तो नहीं लगी आप? नहीं, किसी को चोट नहीं लगी। यहाँ डेस्क से आपकी मैच सीने के बाद? हाँ 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 हाँ। इस मामले की जानकारी देते हुए एसीपी जीत सिंह बेनीवाल ने बताया है कि जैसे लूट की वारदात के बारे में पता लगा तभी पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। ये चॉकलेट के मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके अंकल शाम को लैपटॉप और वो पैसे छीने हैं। दो लड़के हैं, वीडियो फुटेज वगैरह आई है, हम हर एंगल से जाँच कर रहे हैं इसमें। और इस मलेशिया ये वन साइबर, हम हर तरह के एक्सपर्ट की जो कार्रवाई करके इनको जल्दी करते हैं। सर, सीसीटीवी में क्या दिखाई दे रहा है जिस तरह से? सीसीटीवी फुटेज में हमारी एक वारदात और भी सेक्टर 27 में हुई है, वो इक्वल हमारे को ये सेम लग रहे हैं, तो इसमें हम जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करें। ये पिस्तौल के बल पर वारदात को अंजाम देते हैं सर? हाँ, वहाँ भी हमारे सेक्टर 27 में पिस्तौल के बल पर हुई थी और यहाँ भी कल पिस्टल दिखा के इन्होंने लैपटॉप और नकदी छीनी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के दावे कर रही है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब की सिटी टीवी।